giderken omuzlarımdaki yükler kalkıyor. Burada kalma. Serap'la sen... Biz içinde. Ben o eve bir karabey olarak gireceğim. Seni çok mutsuz ve neşesiz görüyorum. Hello friends. Welcome back to my channel. With the new promo of Kaan Chachakluri episode 114. So friends, Kaan Chachakluri ki next episode की story तो बहुत ही ज़्यादा amazing होने वाली है. तो फ्रेंड्स, बारान और दिलान की लाइफ तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है. दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे. बारान को लगता है कि दिलान इसके साथ खुश नहीं है, और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, दिलान भी बारान को ये नहीं बता पा रही कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती है और इसी के साथ रहना चाहती है. बारान अपने बाबा से कहता है कि दिलान बहुत इनोसेंट है, उसने मेरी वजह से बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं उसे वो सब वापस लौटा दूंगा. एक्चुअली फ्रेंड्स, बारान दिलान को खुश देखना चाहता है. होपफुली फ्रेंड्स कि बारान और दिलान को जल्द ही ये रियलाइज़ हो जाएगा कि दोनों ही एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते. बारान को जल्द ही ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि दिलान का ऐसा बिहेवियर क्यों है और वो सैरिब से क्यों इतना जेलिस हो रही है. और इधर फ्रेंड्स, दूसरी तरफ फैरिद गुल से कहता है कि अब हम दोनों एक न्यू लाइफ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बस हम दोनों ही होंगे. लेकिन फ्रेंड्स, दूसरी तरफ दरिया फैरिद को एक नए प्लान के साथ मिलने के लिए बुलाती है, और वो फैरिद से कहती है अब मैं उस घर में ऐसा कारा भी आना चाहती हूँ. हो सकता है फ्रेंड्स कि दरिया और फैरिद की शादी हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स, दरिया के पास बस अब यही एक रास्ता है मेंशन में वापस आने का. तो हो सकता है कि वो फैरिद को ब्लैकमेल करके इससे शादी कर ले और ऐसा कारा भी बारान के मेंशन में से एंट्री करे. तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि दरिया अपने प्लान्स में कामयाब हो जाएगी या फिर नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.